नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार मिश्रा। आज हम लोग देखेंगे कि माई बिलिंग पैड के ई कॉमर्स साइट में आप कैसे अपने प्रोडक्ट को मैनेज करेंगे। आज हम सबसे पहले व्यूइंग करेंगे कि हमारा ई कॉमर्स साइट कैसे दिखता है। और इस ई कॉमर्स साइट में दो अलग अलग पैनल है, एक पैनल है एडमिन और एक पैनल है फ्रंट एंड, जिसको हम ई कॉमर्स साइट जहां से आप कस्टमर ऑर्डर देता है। ये देखिए, यहां पर सबसे ऊपर यहां पे देखिए ये व्हाट्सएप का एक नंबर लिखा हुआ है, यहां पे लोकेशन लिखा हुआ है कि आपका कौन कौन सी लोकेशन में ऑर्डर चलता है। यहां से लॉगिन साइन अप आप कर सकते हैं कि कौन से कस्टमर को क्या, अगर कुछ प्रोडक्ट चाहिए तो यहाँ पे लॉगिन करने के बाद ही ऑर्डर प्लेस होता है। यहाँ पे टुडे आपका स्पेशल ऑफर है, जैसे आप देखना चाहते हैं तो आज के दिन का क्या ऑफर चल रहा है उसके हिसाब से आप इसको आप सेट कर सकते हैं। टुडे आपका ऑफर्स जो भी है, जितना परसेंट डिस्काउंट है, अगर इसको हम थोड़ा सा बैक कर लेते हैं। ये देखिए, यहां पर टोटल आपको ये दिख रहा है आपकी वेबसाइट, यहाँ पे इसके ठीक नीचे आता है आपका स्लाइडिंग कि स्टेप बाय स्टेप आपको स्लाइड शो होता है। ये देखिए, ठीक इसके अगर नीचे आप देखते हैं तो आपका इस तरीके से शॉप बाय कैटेगरी लिखा हुआ है, और इस शॉप बाय कैटेगरी शब्द का अर्थ है कि आपकी कितनी कैटेगरी है, और उस कैटेगरी में जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपको उसके जितने प्रोडक्ट होंगे आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे साड़ी की कैटेगरी है, अगर हम क्लिक करेंगे तो इसमें जितने भी साड़ी के डिपार्टमेंट्स होंगे वो सब के सब सारे के सारे आपको व्यू हो जाएंगे। यहाँ पे ऊपर आ गया कि अप टू 50% ऑफ चल रहा है साड़ी में। यहाँ पे इस तरीके से शॉप बाई कैटेगरी, इस तरीके से टोटल देख रहे हैं यहाँ पे पूरा ये साड़ी का है। अगर आपको यहाँ पर क्लिक करना इस साड़ी के बारे में देखना है तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने ये टोटल व्यू हो जाएगा कि ये देखिए ये साड़ी है, ऐसा दिखता है, ये साड़ी का नाम है, इसमें आपकी कितनी रुपीस की साड़ी है। अगर आप इसमें देखिए दूसरे इमेज को देखना चाहते हैं तो इस तरीके से कितने ब्यूटीफुल तरीके से आप देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ऐसा देख सकते हैं, ये देखिए आप इस तरीके से। इसको आप ऐड करना चाहते हैं, अगर आप परचेज के लिए मतलब खरीदना चाहते हैं इसको आप, तो ऐड बटन पे क्लिक करिए, देखिए यहाँ पे ड्रावर में आ गया। आपको और कुछ ऐड करना है तो अगर आपको टुडे स्पेशल ऑफर या तो फिर ठीक इसके नीचे कैटेगरी फिर से आ गया है, जिस भी कैटेगरी का, जैसे आपको ये दूसरा प्रोडक्ट खरीदना है उसको अगर आप ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं, जैसे हॉकिंस है, इसको भी अगर आप लेना चाहते हैं, अगर आप ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो इसको आपने क्लिक कर व्यू करके टोटल आपने देख लिया कि कौन सा कितना। ये देखिए अलग अलग आपका इमेजेस अगर इसके आप देखना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे एक की क्वांटिटी में इसको भी हमने ऐड कर लिया। मैंने दो क्वांटिटी में देखिए ऐड किया हुआ है। देखिए अगर आप चेकआउट इसको करना चाहते हैं, मतलब पूरा बिल बनाना चाहते हैं, तो बिल बना लीजिए। यहाँ पे इस बटन पे आपने क्लिक कर लिए, क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट है और लॉग इन अकाउंट। अगर आप यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट बटन पे आप क्लिक करेंगे तो नया अकाउंट आप बना लेंगे। यहाँ पे हमने डाल दिया जैसे राहुल, यहाँ पे डाल दिया 10 डिजिट मोबाइल नंबर, यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया, यहाँ पे इस तरीके से साइन अप आपने कर लिया। साइन अप बटन पे जैसे आपने क्लिक किया तो ऑटोमेटिक ये पूछेगा क्या नेम है, एड्रेस क्या है, एबीसी हमने डाल दिया। यहाँ पे आ गया सेलेक्ट एरिया, कौन से एरिया में आप डिलीवरी लेना चाहते हैं, मैंने यहाँ पे डाल दिया यूपी। इस तरीके से यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी है इस तरीके से, तो कैश ऑन डिलीवरी आप यहाँ पे एरिया जो है आप ऐड कर सकते हैं कि कौन कौन से एरिया में आपका डिलीवरी है, उसके हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों देखिए एक बहुत ही अच्छा है आपका
अप्लाई कूपन करके है यहाँ पे, जो भी कूपन है नंबर है आप यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे तो ये आपका कूपन अप्लाई हो जाएगा। टोटल अभी बिल बन रहा है योर सेफ 730 1349 रुपए का। यहाँ से हम प्लेस ऑर्डर कर दिए, जैसे आप प्लेस ऑर्डर बटन पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक आप दूसरे मोड पे चले जाएंगे। यहाँ पे देखिए आपका प्रोफाइल हो गया, मैरिज एड्रेस हो गया, पासवर्ड हो गया, हिस्ट्री हो गया, कैश ऑन डिलीवरी हो गया, कहाँ पे कितना अभी पेंडिंग है। व्यू आइटम करेंगे तो दो आइटम भी आपको दिखने लगेंगे, कौन कौन से आइटम है देखिए यहाँ पर आपने ऑर्डर के लिए आया है। और ये देखिए यही तो ऑर्डर आया है, तो अगर आप इसको हमारा बैकएंड में अगर आप देखेंगे तो ये देखिए बैकएंड में मैं अभी चलता हूँ, यहाँ पे डैशबोर्ड आ गया, ये बैकएंड दिखता है जहां से आप प्रोडक्ट को एड करते हैं, ऑर्डर आता है तो आप देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे बिल बटन पे क्लिक कर लीजिए, शॉप ऑर्डर पे क्लिक कर लीजिए, या ऑनलाइन यहाँ पे ऑनलाइन पर्ची पर्ची ऑर्डर है ना, यहाँ पे पर्ची ऑर्डर बटन पे आप क्लिक कर लीजिए। जैसे आप पर्ची ऑर्डर बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे इस तरीके से पूरे डैशबोर्ड पे इस तरीके से आ जाएगा, तो जो भी आपके ऑर्डर प्लेसेस है यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाते हैं। तो यहां से आप बिल बनाने के बाद वो फ्रंट एंड था, यहाँ पे जो था ये फ्रंट एंड है और यहाँ पे जो है आपका बैक एंड है। तो फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों अलग अलग है, आप आसानी से जितने भी हैं आप ऑर्डर बना सकते हैं, उसको कैश ऑन डिलीवरी के लिए आप सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे कई सारे ऑफर है, ऑप्शन है, शॉप ऑर्डर देखिए, अगर कोई अगर शॉप आपका है तो अगर कहीं शॉप टू शॉप अगर आप ऑर्डर ले रहे हैं, रिटेल में ले रहे हैं या होलसेल में ले रहे हैं तो शॉप को ऑर्डर भी ले सकते हैं। अगर आपको जीएसटी में इनवाइस बनाना है, नॉर्मल इनवाइस बनाना है तो भी आप काम कर सकते हैं। जैसे जीएसटी इनवाइस में यहाँ पे ऐसा है कि बिल जनरेट बटन पे हमने क्लिक किया, इसमें A4 साइज A5 साइज तीनों के आपको बिल जनरेट होते हैं। यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट आ गया, यहाँ पे रिटेल या होलसेल, यहाँ पे हमने डाल दिया रिटेल। रिटेल डालने के बाद यहाँ पे जैसे आपने सर्च किया हॉकिन, इस तरीके से सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, जो भी आपको प्रोडक्ट आपको EMDS मसाला हॉकिन यहाँ पे इस तरीके से आ गया। कितनी क्वांटिटी में आप सेल करना चाहते हैं यहाँ पे ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर आप डाल लीजिए कि कौन से मोबाइल नंबर पे आप सेल करना चाहते हैं। इस तरीके से सेल्फ है, डिलीवरी एरिया कौन सा है, इस तरीके से देखिए आपका UP है, यहाँ पे कूपन वगैरह है। तो इस तरीके से देखने के बाद लेजर में आप प्रिंट करना चाहते हैं, थर्मल में आप यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर लीजिए। जैसे आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये देखिए यहाँ पर A4 साइज में आपका ये बिल आ गया। तो A4 साइज 3 इंच में भी है, देखिए अभी 3 इंच का अभी ये सिलेक्ट है तो ये 3 इंच आपको दिखेगा। तो मैं यहाँ पे कट कर देता हूँ, ये देखिए जनरेट बिल यहाँ पे इस तरीके से बायर हो गया, सप्लायर हो गया, इनवाइस नंबर हो गया, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, अभी एक ही प्रोडक्ट मैंने ऐड किया था। तो यहाँ से आप इस तरीके से इनवाइस आप ले सकते हैं। अगर आप थर्मल प्रिंटर में अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे थर्मल बटन पर क्लिक कर लीजिए, थर्मल मतलब 3 इंच में आपकी इनवाइस जनरेट हो रही है। अगर प्रिंट बटन पर आपने क्लिक करेंगे तो सेम टू सेम एक थर्मल पेपर के जैसा आपका ये पूरा इनवाइस आपका जनरेट हो जाएगा, तो आप आसानी से इसको प्रिंट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे प्रिंट बटन पे, इसमें अभी प्रिंटर की सेटिंग नहीं है, अगर प्रिंटर की सेटिंग हम करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको 3 इंच वगैरह में देखिए अभी आ गया। ये देखिए सेटिंग कर दिया हूँ, ये देख रहे हैं टोटल आपका इनवाइस नंबर हो गया, बिल हो गया, यहाँ पे इस तरीके से आपका आ गया। दोस्तों माई बिलिंग पैड के ई कॉमर्स साइड में आप दोनों मोड पे काम कर सकते हैं, एक साथ ई कॉमर्स साइड और अपना अलग से इनवाइस बिल बनाना हुआ या शॉप पे जाके ऑर्डर लेना हुआ तो आप आसानी से इस पे आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे हम डैशबोर्ड पे जाते हैं तो आज का कलेक्शन कितना है, जनरेट बिल कितना हुआ, शॉप ऑर्डर कितना आया, ऑर्डर कितना आया, इस तरीके से सारी चीजें एकदम एक्यूरेट मतलब सही तरीके से दिया गया है। दोस्तों आगे हम देखेंगे कि प्रोडक्ट कैसे ऐड करते हैं, तो आपको अगर लाइव करना है उस प्रोडक्ट को कैसे आप कर पाएंगे वेबसाइट पे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कुछ नए वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।